खसूसी मुलाकात का दिन। नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में वालिदा, भाई शहबाज शरीफ, बेटी मरियम नवाज और अहम पार्टी रहनुमा मिले। मुलाकातों में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत को टफ टाइम देने से मुतालिक भी बातचीत की गई। कोट लखपत जेल में जुमेरात का दिन साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए मखसूस है। दिन शुरू होते ही कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ के खानदान के अफराद और पार्टी रहनुमाओं की आमद शुरू हो गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करने वाले खानदान के अरकान में उनकी वालिदा, भाई शहबाज शरीफ, साहबजादी मरियम नवाज और दीगर शामिल थे। अहले खाना से मुलाकात में एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करने के अलावा मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। नवाज शरीफ से अहम पार्टी रहनुमा भी मुलाकात करने कोट लखपत जेल पहुंचे। मुलाकात करने वाले पार्टी रहनुमाओं में शाहिद खाकान अब्बासी, सरदार रियाज सादिक, राणा सनाउल्लाह, सेनेटर परवेज रशीद, खाजा आसिफ, मियां जावेद लतीफ, तलाल चौधरी, मलिक अफजल खोखर और दीगर शामिल थे। नवाज शरीफ ने लीगी रहनुमाओं से पार्टी अमूर पर गुफ्तगू की, जबकि हुकूमत को टफ टाइम देने के हवाले से भी मामलात जेरे बहस आए। कोट लखपत जेल के बाहर कारकुनान की बड़ी तादाद भी पूरा दिन मौजूद रही। कारकुनान मुलाकात के लिए आने वाले पार्टी रहनुमाओं और नवाज शरीफ के खानदान के अरकान का इस्तकबाल करते रहे। कारकुनान ने गाड़ियों पर फूल की पत्तियां निचावर की, जबकि अपने कायदीन के हक में नारेबाजी भी करते रहे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अल-अज़ीज़िया स्टीनवेल्स रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा काट रहे हैं।